नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा छठे वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज, इसके अलावा बसें जो है कब चलेंगी, तो पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा क्या बयान दिया गया है। सीएम जयराम बोले, प्रदेश में अभी छठे वेतन आयोग को लागू करने पर चल रहा विचार विमर्श। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब के वेतन आयोग को ही हिमाचल प्रदेश में फॉलो किया जाता रहा है। पंजाब में 1 जुलाई से छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से हिमाचल में भी उस दिशा में विचार विमर्श किया जा रहा है कि कब क्या क्या लागू किया जाना है। स्कूलों को खोलने पर अगली कैबिनेट बैठक में ही मंत्रणा होगी। इसके अलावा शनिवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के मामलों में पिछले दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। प्रदेश में शादी समारोह करने पर रोक नहीं है, पर भीड़भाड़ को ज्यादा इकट्ठा करना सही नहीं है। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर तीसरी लहर आ भी जाती है तो मजबूती के साथ इस लहर का सामना करना होगा। अभी लोगों को लंबे समय तक घर पर ही रोक कर रखना सही नहीं है। धीरे धीरे चीजों को खोला जाएगा, एसओपी का पालन किया जाएगा। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मिल्खा सिंह खेल जगत में बड़ा नाम था, उनकी दुखद मृत्यु स्वाभाविक रूप से पीड़ा देती है, उनका नाम खेल जगत में अमर रहेगा। उनके देहांत से स्वाभाविक रूप से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो यही थी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि पंजाब में जो है छठा वेतन आयोग लागू होने वाला है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो अंतर्राज्यीय बसों को लेकर अभी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जो स्कूल और कॉलेज हैं ये भी कैबिनेट बैठक पर ही निर्णय लिए जाएंगे। तो यही थी अपडेट अभी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।